नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने आपको लंदन में बैसाखी सेलिब्रेशन दिखाया था और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। अगर नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आज हम चलते हैं साउथ हॉल। साउथ हॉल जो यहाँ का लिटिल इंडिया या लिटिल पंजाब इसको कह सकते हैं, तो वहाँ चलते हैं और घूम के आते हैं, पंजाबी सैर करके आते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं फिर साउथ हॉल। हम साउथ हॉल पहुँच चुके हैं और ये स्टेशन है। यहाँ पंजाबी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अब मार्केट चलते हैं। यहाँ मार्केट को हाई स्ट्रीट बोला जाता है, ये फ्रूट शॉप है। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 10 गुरुद्वारे हैं जो इंडिया से बाहर जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो साउथ हॉल में ही है। और यहाँ पर 2 बड़े टेम्पल्स हैं, एक सामने हमें श्री राम मंदिर दिखाई दे रहा है, उसमें चलते हैं। दर्शन करके आ गए हैं और आगे चलते हैं और सामने हमें एक सरदार जी मिल रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं फिर। ये मेरे साथ में सरदार जगपाल सिंह राजवंशी हैं, ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं, काबुल से आए हैं, साउथ हॉल में रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी पहले आ चुके हैं। और सब ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा लगता है। चलो अच्छा, हमारे साथ चलो खार। मेरी वाइफ भी है, मेरी बहन भी है, सारे हैं, फैमिली हमारी। बैठो, एक साथ चाय मैं पीऊँ फिर चले जाओ। एक सामने क्वालिटी फूड है और वेजिटेबल्स हैं, ग्रॉसरी है यहाँ पर। ये आपको सामने एक बस दिखाई दे रही है लेकिन ये बस नहीं है, एक रेस्टोरेंट है। ये सामने एक फ्रंटियर राज भी है यहाँ पर, जो साउथ एक्स में एक बहुत बड़ा दिल्ली में शोरूम है इसका, लहंगे और ब्राइडल ड्रेसेस मिलने का। तो यहाँ पर भी है ये बेकरी शॉप आ गई एक प्योर वेज। सामने जलेबी जंक्शन है, देखते हैं जलेबियाँ यहाँ मिल रही हैं कि नहीं। हाँ, ये जलेबी बना रही हैं और प्योर देसी घी की जलेबी बन रही हैं ये, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो खाते हैं फिर जलेबी, खाते हैं क्या टेस्ट है इसका। यहाँ पर साउथ हॉल में ज़्यादातर हमें यहाँ पंजाबी शॉप्स मिलेंगी, नाम भी यहाँ पंजाबी में शॉप्स का लिखा हुआ है। लोग भी काफ़ी सरदार पंजाबी पाकिस्तानी लोग दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल में ये साउथ एशियंस लोग यहाँ पर काफ़ी रहते हैं। यहाँ 76% जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम जो साउथ एशियंस की है। ये सामने पंजाबी नान आ गया, कुलचा किंग, चिकन भी यहाँ पर काफ़ी रेडीमेड और रॉ भी मिलता है। उसकी काफ़ी शॉप्स हैं, सेल लगी हुई है, 50% की सेल लगी हुई है। तो यहाँ पर 55% जो है वो इंडियन और पाकिस्तानी है। ये कुछ चाट की शॉप है, चाट खाते हैं। नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? ये ज्वेलरी शॉप आ गई सामने। सारी शॉप्स जो ऐसा लगता है कि इंडिया में ही हम किसी मार्केट में घूम रहे हैं, कभी फील नहीं होगा, ऐसा लगता नहीं है कि हम लंदन में बाहर हैं। तो खाने पीने का भी सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर आसानी से, और अगर घर की फील आ रही है तो यहाँ आ सकते हैं। ये ज्योतिष वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे चुन्नियाँ टंगी हुई हैं यहाँ पर, लोग काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं, भीड़ भी काफ़ी है। एक स्वीट शॉप है और स्नैक्स की शॉप पे लोग काफ़ी लोग खा रहे हैं यहाँ पर। 1950 में फर्स्ट टाइम जो है एक इंडियन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड थे, उन्होंने यहाँ एक रबर फैक्ट्री खोली थी। तो काफ़ी इंडियंस को वो यहाँ लेके आए थे, तो तब से फिर यहाँ पर एशियंस का काफ़ी लोग यहाँ रहना शुरू कर दिया।
यहाँ पे सामने एक हिमालय पैलेस है जो कि काफ़ी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सूट्स वगैरह भी है, ज्वेलरी है। ये एक गली टाइप है जिसमें काफ़ी तरह के शॉप्स हैं और काफ़ी शॉपिंग भी चल रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। बैंगल शॉप है, सुंदर से बैंगल्स हैं यहाँ पर। जलेबी जंक्शन एक और आ गया, लोग जलेबी खाने के बहुत शौकीन हैं, इंडियंस को तो जलेबी फेवरेट है। सामने गुरुद्वारा आ गया, वहाँ चलते हैं। ये सबसे बड़ा, इंडिया से बाहर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जैसा मैंने आपको बताया, और 2003 में ये खुला था। तो अंदर चलते हैं, प्रेयर करेंगे। चलो फिर लंगर भी खा लिया हमने, फिर अब आगे चलते हैं। ये मार्केट एरिया में मैक्सिमम सूटों की शॉप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, डिफरेंट वैरायटी के सूट मिल जाएंगे। लोग भी ज़्यादातर इंडियंस ही हैं। ये शगुन ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है काफ़ी। ये एक और शॉप आ गई सूट्स की। बैंक्स भी यहाँ पर हमें ICIC बैंक दिखा, एक और आर्टिफिशियल शॉप पे है ज्वेलरीज की, जो आपको हर तरह के सेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सुंदर से झुमके हैं, मांग टीका और सेट है पूरा। ये समोसा, चाट, कुल्फी, स्वीट कॉर्न सब कुछ मिलेगा। ये एक बर्तनों की शॉप है, हमने सुना था कि कुकर नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे ये भी मिल रहा है। ये कुछ पूजा का सामान भी अवेलेबल है। ये एक तंदूर लगा हुआ है, देख सकते हैं कि तंदूर की रोटियाँ बन रही हैं। इंडिया याद आ गया तंदूर की रोटियाँ देख के। ये फिर और सूट्स हैं, पार्टी वियर भी हैं, अनस्टिच सूट भी हैं। ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ये किचन वेयर्स हैं, सब कुछ मिलेगा, जो कहीं और नहीं मिलेगा तो यहाँ से ले सकते हैं, साउथ हॉल आके आप ले सकते हो। ये सूटकेसेस हैं, पर्सेस हैं, यहाँ से मैंने एक पर्स परचेज भी किया। सरदार जी की शॉप है, ये भी बहुत पुराने यहाँ पर रह रहे हैं। एक PNB बैंक भी आ गया है सामने। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप है, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर मिल रहे हैं। साउथ इंडियंस के लिए श्रवणा भवन भी है यहाँ पर, इडली डोसा खाना है तो वहाँ पे जाके खा सकते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर जो MP है वो भी इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश हैं, जिनका नाम वीरेंद्र शर्मा है, जो 2007 से यहाँ पर MP है। ये एक शॉप जो है वो थान के कपड़ा मिल रहा है, आप ले लो और स्टिच करा लो। ये सामने स्नो वाइट है ड्राई क्लीनर, इसमें देख रहे हो कि ये कुलचा एक्सप्रेस आ गया, ब्यूटी शॉप्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट सारे मिल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ साउथ हॉल में कुछ मूवीज के शूटिंग भी हुई है, जैसे कि पटियाला हाउस, गोल। लोकल न्यूज़पेपर हैं जो पंजाबी में निकलते हैं यहाँ से। ये एक दिल्ली वाला प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आ गया, तो प्योर वेज वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी कि प्योर वेज भी खाना आराम से मिल जाता है।
सामने एक इंडियन वर्कर एसोसिएशन का ऑफिस दिख रहा है। अब चलते हैं आगे, तो ये कोई सेल लगी हुई है, क्लियरेंस सेल है शायद। सामने मुथूट फाइनेंस है। ये वेजिटेबल शॉप है, हर सब्जी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे दुकानों के नाम भी आप देखेंगे कि इंडियन नाम पर ही है। ये कुछ फैंसी ड्रेसेस है, पार्टी वेयर ड्रेसेस, कुछ साड़ीज भी अवेलेबल है। ब्राइडल ड्रेसेस भी यहाँ पर मिल जाएगी आराम से, लहंगा, गाउन, शेरवानी। यहाँ पे फोल्डिंग चारपाई भी दिख रही है एक जगह पे, गुरु नानक ट्रेडिंग्स। गद्दे, कवर, बेडशीट्स, ये कुछ बच्चों के ड्रेसेस आ गए हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हर ड्रेस अवेलेबल है। तो हमने आज गुरुद्वारे में लंगर खाया और अमृतसरी कुलचा खाया, जलेबी खाई। तो अब क्या हमने पंजाब की सैर की या दिल्ली के चांदनी चौक में घूम रहे थे? आज तो मज़ा तो बहुत आया, तो फिर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये था हमारा साउथ साल का ट्रिप। आपको लंदन में पंजाब कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ही कर दीजिए। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।